हेलो गाइस, अभी तक हमने चैप्टर वन एसएम का खत्म कर चुका है, कर लिए हैं और फुल एकदम डिटेल्ड में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं विथ एग्जांपल्स, और हमने पूरा मॉड्यूल को ही कवर किया है। बाकी अदर कोई स्टडी मटेरियल, कोई भी अदर नोट्स को प्रेफर नहीं किया है। रीज़न हम इसी में से आपको पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो और आपका सिलेबस अच्छी तरह ख़त्म हो चुके, कंप्लीट हो सके और आप अच्छे से लिख सकें। देन आपको अगर उनको वीडियोस को आपने नहीं देखी अभी तो जाइए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको उनसे गो थ्रू कीजिए। और चैप्टर ओवरव्यू खत्म होने के बाद एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आरटीपी एमटीपी के सभी क्वेश्चंस और जो भी अभी तक ओल्ड पास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी कवर करूंगा चैप्टर वन के। और चैप्टर वन के एक्सरसाइज में जाने से पहले हम एक बार फुल ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या रीड आउट किया, क्या क्या हमने समझा। सो चैप्टर वन में अब देखते हैं, पहला है टॉपिक बिजनेस पॉलिसी। इन 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया जो कि पूरा केस स्टडी बेस्ड था। इन 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कैलीगेट स्कूल ऑफ बिजनेस ने एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तौर पर सभी बिजनेस स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से एज अ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे अपनाया और इस कोर्स का नाम दिया बिजनेस पॉलिसी। इसमें कुछ इनेबिलिटीज थी, बाद में इनेबिलिटीज को दूर करने के लिए धीरे धीरे बिजनेस पॉलिसी टर्न हुआ जो कि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो कि जिस वर्ड को बोलेंगे स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी में मेनली एज अ गेम प्लान के तौर पर ज़्यादातर फोकस इसके इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन और कंट्रोल पर फोकस किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को टू एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एस्पेक्ट जो डील करता है की ग्रुप ऑफ पर्सन जो इंचार्ज ऑफ अफेयर्स हैं और उनका मेन टास्क होता है टुगेदर और इंटीग्रेट द रिसोर्सेस। और जो कि सेकंड एस्पेक्ट है वो डील करता है सेट ऑफ इंटरलेटेड प्रोसेस से कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। मेनली वो प्रोसेस और फंक्शन से डील हो रहा है जो कि पूरी एक्टिविटीज को कैरी करते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। हमने फिर देखा मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन, इस बॉक्स में हम देखेंगे ओवरऑल कंक्लूजन दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो कि वे टू विन ओवर एनिमी का मतलब, स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो कि वॉर के टाइम जनरेट वर्ड है ये, और ये मेनली डील करता है डायनेमिक और होस्टाइल फोर्सेस से, एक्सटर्नल फोर्सेस से। बाद में हमने देखा कि स्ट्रेटजी का अगर एक लॉन्ग डेफिनेशन में देखी जाए मतलब क्या होता है, इज अ गेम प्लान दैट, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रहा अचीव गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूजेस टू मे टेक मार्केट पोजीशन एंड कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कंपीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमने देखा अदर पहलू में, अदर वर्ड्स में इसकी मीनिंग क्या है, इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट जो कि हमें बताता है व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू एंड वेयर इट वांट टू गो। फिर हमने देखा दो फेमस डेफिनेशंस और उनको एक डीपली एग्जांपल के थ्रू समझा। देन स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स होता है जो कि एक प्लान्ड इकोनॉमिक प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है, और जबकि रिएक्टिव होती है जो अडॉप्टिड रिएक्शन की होती है जो कि चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे अडॉप्ट किया जाता है। पॉजिटिव एक्शन जो होते हैं वो मेनली मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, जबकि रिएक्टिव होते हैं जो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और फ्रेश मार्केट कंडीशन पर डील करते हैं।
फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पहला एस्पेक्ट हो गया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दूसरा हो गया गाइड करना। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो कि हमारे कोर इफिशेंसीज को इंक्रीज करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करते हैं, और ओवरऑल मार्केट पोजीशन को में एक वर्चस्व यानी डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टेंस, और मार्केट शेयर को भी एक ग्रोथ में ग्रोथ करते हैं। और अगर गाइड के पहलू के अकॉर्डिंग देखिए, एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो गाइड मीन्स जिससे हम उस एनवायरनमेंट के थ्रू होते हुए हम अपना वे या ऑब्जेक्टिव या रास्ता या गोल मिशन अचीव कर सकें। ये सभी के मतलब कुछ डिफरेंट होते हैं थोड़ा थोड़ा, जो कि हम उन्हें डिटेल हमने अभी यहाँ पर समझा है एग्जाम्पल थ्रू, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू एकदम डिटेल में चैप्टर 3 में समझाएंगे। और फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, एक बार हम चाहते हैं गो थ्रू इसी भी करके आगे बढ़े। द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आ स्ट्रेटेजिक विजन। विजन का मतलब हमने बताया था वॉन्ट टू बी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब बताया हमने शॉर्ट टर्म गोल्स, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, क्राफ्टिंग मीन्स बनाना, देन इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, एग्जीक्यूटिंग करना, देन इवेल्यूट, इवेल्यूट मीन्स प्रॉपर स्टैंड, जो हमने सोचा है कि उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं उसे मेजर करना, और देन इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन, अगर फिर भी कोई डेविएशन है तो उसे करेक्ट करना। देन हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, जो कि मेन है गोल और मिशन बनाने में हेल्प करता है, डिफाइन गोल एंड मिशंस, कंपनी को डायरेक्शन देता है। देन सेकंड पॉइंट में देखे तो एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव ऑफ रिएक्टिव में ज़्यादा, जो कि फ्यूचर शेप में भी इम्प्रूवमेंट लाता है, और डेस्टिनी को ज़्यादा अच्छे से कवर करता है, कंट्रोल करता है। हम और थर्ड पॉइंट में यही बताया गया कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक की तरफ वर्क करता है, इट मीन्स उनको पता चलता है कि आखिर व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट ट्राइंग टू डू मतलब किस एम को लेकर चल रही है और क्या अचीव करना चाहती है एक ऑर्गेनाइजेशन। देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कई रास्तों कई वेस में से एक करेक्ट वे चॉइस करने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन बड़ी मिस्टेक्स होने में भी हेल्प करता है एज अ कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। देन एनहेंस लॉन्गेविटी और बिजनेस चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी की और सस्टेनेबिलिटी की और ग्रोथ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू। देन कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज होते हैं और फैसिलिटीज इन सर्वाइवर एंड ग्रोथ। देन उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशन के ऊपर जब जाएं तो देखते हैं कि अगर थोड़ा भी अगर ये स्ट्रेटेजी जो कि एक इंटरनल एक्सटर्नल को बेस्ड मानकर चल रहा है, अगर कहीं एक्सटर्नल ज़्यादा चेंज हो गया या ज़्यादा कॉम्पिटिटर जो है या राइवल ज़्यादा हावी हो गया, एग्जाम्पल अगर ली जियो की, और हमने वहाँ पर एग्जाम्पल ये भी लिया था कि किस प्रकार जियो का वर्किंग सिनेरियो अदर कंपनीज को कैसे बीट किया और एयरटेल आइडिया के ऊपर अभी भी राज कर रहा है। ये किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। साथ में हमने देखा कि डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है इसमें एस्टिमेट क्लियर करने के। देन उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल, इन तीनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, और कॉर्पोरेट लेवल में CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं, जबकि बिजनेस लेवल में डिविजनल मैनेजर और स्टाफ होते हैं। हमने टाटा कंपनी का एग्जाम्पल लिया था और उसमें हमने बताया था टाटा टी, सॉल्ट, स्टील और कंसल्टेंसी सर्विसेज किस प्रकार वर्क करती हैं वो की, और वो एक बिजनेस लेवल का बेस बनाती है। हमने एग्जांपल के थ्रू पूरा समझा, आपको अगर दोबारा अगेन समझना है देन वीडियो में जाएं और समझें, इससे आपको क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। देन फंक्शन लेवल में हमने डील किया था किस प्रकार वो फंक्शन लेवल में
परचेस और सबके एक सेपरेट डिफरेंशन सेपरेट बिजनेस लाइन होती है। देन कॉर्पोरेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि मिशन गोल बनाने में हेल्प करते हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। देन हमने बिजनेस लेवल के बारे में पढ़ा, बिजनेस लेवल के बारे में ये वाला बॉक्स डील कर रहा है, सेकंड वाला जो कि एक स्पैन ऑफ इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं एज ए बिजनेस। स्पैन मीन्स ब्रिज, मतलब दो एक कॉर्पोरेट लेवल और फंक्शन लेवल के बीच एज ए ब्रिज वर्क करते हैं और उनको जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मेनली स्पेसिफिक बिजनेस से डील करते हैं। मेनली स्पेसिफिक बिजनेस मीन्स कि अगर टाटा टी वाले हैं तो टाटा टी का कोई भी इंटरफेयर अदर जो भी बिजनेस सेगमेंट है उनसे नहीं होगा, या उनसे अदर डिवीजन से कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। एग्जाम्पल लूँ तो अगर टाटा टी का स्टील से कोई वास्ता नहीं होगा, उनका सिर्फ अपने बिजनेस लाइन से वर्किंग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन फंक्शन लेवल में हमने बात की थी किस प्रकार वो एक पूरा कस्टमर से जुड़े जुड़े रहते हैं, एकदम बेस लेवल तैयार करते हैं क्योंकि लास्टली सर्विस तो कस्टमर को देनी है और लास्टली वो सप्लायर से डील करते हैं, मतलब एक एकदम मेन फंक्शन लेवल में भी, फंक्शन लेवल मैनेजर्स का भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बनाने में और उसके डिफिनेशन में कहीं डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन में देखें अगर, तो हमने देखा यहाँ पर तीन इंस्टीट्यूट को कवर किया, एजुकेशनल जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं किस प्रकार स्टूडेंट को, हमने काफ़ी एग्जाम्पल लिए जिसमें ऑनलाइन कॉलेजेस के बारे में डील की कर रही हैं, किस प्रकार कोर्स ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हो गए हैं और घर बैठे ही हम ऑनलाइन कोर्स एक्वायर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। देन मेडिकल फील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हॉस्पिटल के जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया पॉइंट उस पर ज़्यादा फोकस किया, हॉस्पिटल आर ब्रिंगिंग बिगनिंग टू ब्रिंग सर्विसेज टू द पेशेंट एज मच एज ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल पर फोकस हो रहा है। डोर टू डोर सैंपल, बहुत सारी मेडिसिन जो है घर पे प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी जा रही है डिसीज के ऊपर। देन गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में बात की हमने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में एग्जाम्पल लिया और किस प्रकार इसमें टाइम लगता है, किस प्रकार ये प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से बेहतर वर्क कर रही हैं, इस पर भी कंपेरिजन किया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर वन है स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान, ऑप्शन ए टू टेक मार्केट पोजिशन, टू ऑप्शन बी टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, ऑप्शन सी टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक हॉस्टाइल एनवायरमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आप हमें कमेंट करके बताइए। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स हमने बताया था, प्रैग्मेटिक मीन्स होता है कि ऑलवेज वर्किंग विथ प्रैक्टिकल रादर देन आइडिया और प्रिंसिपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल रादर देन आइडिया और प्रिंसिपल, आइडिया और प्रिंसिपल की थ्योरी के ऊपर ज्यादा ना बेस्ड होकर प्रैक्टिकल पर बेस्ड होना। तो स्ट्रेटजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। स्ट्रेटजी बी ऑप्शन, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऑप्शन सी, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऑप्शन डी, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, अब हम कमेंट कीजिए हमें। यस करेक्ट ऑप्शन बी, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज परफेक्ट एंड परफेक्ट फ्लॉलेस, सॉरी स्ट्रेटजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्ट्रेटजी इज प्रोएक्टिव रिएक्टिव ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
यस करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस। क्वेश्चन नंबर फोर, रिएक्टिव स्ट्रेटजी कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ए ऑप्शन प्लान स्ट्रेटजी, बी ऑप्शन अडॉप्टिव स्ट्रेटजी, सी ऑप्शन साउंड स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी डायनेमिक स्ट्रेटजी। यस करेक्ट ऑप्शन इज बी अडॉप्टिव स्ट्रेटजी। क्वेश्चन फिफ्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इज अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय ऑप्शन ए टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन बी मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन सी लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग सॉरी फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल ऑफ मैनेजर्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शन लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन सी फंक्शन लेवल मैनेजर्स एंड बिजनेस लेवल मैनेजर्स, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स एंड फंक्शन लेवल मैनेजर्स। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट स्ट्रेटजीज इंटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस। ऑप्शन ए सुपरवाइजर, ऑप्शन बी फंक्शनल मैनेजर, ऑप्शन सी सीईओ ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस ऑप्शन करेक्ट बी फंक्शनल मैनेजर। क्वेश्चन एट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज बाय एनजीओस टू। ऑप्शन ए यूज रिसोर्स इफेक्टिवली, ऑप्शन बी राइज फंड्स, ऑप्शन सी अचीव गोल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एनेबल्स एज ऑर्गेनाइजेशन टू डैश इनिशिएटिव ऑफ कंपनीज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन देयर बिजनेस एनवायरमेंट। ऑप्शन ए बी प्रोएक्टिव, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी डिटरमाइन व्हेन द थ्रेट विल सबसाइड, ऑप्शन सी अवॉइड द थ्रेट्स, ऑप्शन डी थ्रेट्स देयर कंपटीटर्स। यस ऑप्शन बी इज करेक्ट बी प्रोएक्टिव। क्वेश्चन टेंथ, रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट स्ट्रेटजीज हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशंस, स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रेटजीज आर रिजिडली डिफाइंड। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। विच वन 10 सेकेंड। यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट मीन्स स्ट्रेटजीज हैव शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन एंड स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड। क्वेश्चन 11, what involves formulating, implementing and evaluating cross functional decisions that enable an organization to achieve its objectives. Option A strategy formulation, then option B strategy evaluation, option C strategy implementation, option D strategy management. Yes option D is correct strategic management. Question number 12, strategic management allow an organization to be more, option A authoritative, option B participative, option C commanding, option D proactive. 10 seconds.
यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोएक्टिव। सो हेयर इज योर आंसर, यू कैन चेक।